मुंबई के थाने सेशन कोर्ट ने बीजेपी विधायक गणेश नाइक को आज भी राहत नहीं दी। उनके खिलाफ दर्ज कथित रेप मामले में अग्रिम जमानत पर आज फैसला होने वाला था, जिसे जज ने टाल दिया। सत्र न्यायालय 27 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुका है। आज फैसले की तारीख थी, लेकिन कोर्ट ने उसे दो दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी अब गणेश नाइक की जमानत पर आखिरी फैसला 30 अप्रैल को होगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक को थाने सेशन कोर्ट ने आज भी राहत नहीं दी। सत्र न्यायालय आज गणेश नाइक के खिलाफ दर्ज कथित रेप मामले में अग्रिम जमानत पर फैसला देने वाला था, लेकिन न्यायाधीश वीवाई जाधव ने उसे 30 अप्रैल तक टाल दिया। जाहिर है बीजेपी विधायक को अग्रिम जमानत के लिए दो दिन का और इंतजार करना होगा। बताना जरूरी है कि गणेश नाइक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जिसके बचाव में 22 अप्रैल को उनकी ओर से अंतरिम बेल की अपील की गई थी। कोर्ट ने इस पर 27 को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला 28 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज न्यायाधीश वीवाई जाधव ने फैसले की तारीख को दो दिन और बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया। इस मामले में खुद विधायक की ओर से डीएनए जांच की सिफारिश की गई है। फिलहाल इस पर कोर्ट का क्या आदेश आता है, यह तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।